तो आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना को लेकर क्या हालचाल हलचल चल रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के आंकड़ों की। तो आपको पता ही होगा, भारत में कोरोना की सुनामी चल रही है और इसका खौफनाक मंजर देखने को मिला है। एक दिन में सबसे ज्यादा पहली बार 3,647 लोगों की मौत हुई और 3,80,000 नए केस देखे गए। भारत में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 3,80,000 तो नए मामले आए और 3,646 लोगों की मौत हुई। अब अंदाजा लगा सकते हैं आपके कोरोना के मामले अभी भी लगातार कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के हमें सावधानी बरतना अभी भी जारी रखना है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी कली कोरोना पॉजिटिव हुई थी, आपको पता होगा। उसके बाद आज उनकी भी रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पॉजिटिव आई है, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। खुद उन्होंने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। हम जल्द इन दोनों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कोरोना संकट के बीच विदेशी मीडिया के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब फ्रांस के अखबार ने भी भारत सरकार की आलोचना की है। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो सरकार की यहाँ पर अव्यवस्थाएं नजर आ रही है, राइट। जहाँ कोरोना के हालात इतने ज्यादा बिगड़ रहे हैं, यहाँ पर सरकार को कुछ ऐसे डिसीजन ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिनसे कि भारत में कोरोना मामलों पर कंट्रोल किया जा सके। हालांकि सरकार पूरी कोशिशें कर रही है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ खामियां देखने को मिल रही है और इसका नतीजा आप देख सकते हैं, विदेशी अखबारों में लगातार भारत की आलोचना हो रही है। फ्रेंच अखबार ली मांदे ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत की मौजूदा कोविड त्रासदी के लिए दोषी बातों में कोरोना वायरस की अप्रत्याशितता के अलावा जनता को बहला फुसला कर रखने वाली सियासत और झूठी एकड़ी भी शामिल है। अखबार ने अस्पतालों और शमशानों के मंजर का चित्रण भी किया और लिखा कि महामारी गरीब या अमीर किसी को नहीं बख्श रही। रोगियों के बोझ से चरमराते अस्पताल, गेट पर लगी एम्बुलेंस की कतारें और ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते तिरमेदार, ये दृश्य ऐसे जो झूठ नहीं बोलते हैं। देखते हैं सरकारें अब इस विदेशी खबरों के बाद क्या एक्शन लेती है, मैं आपको अपडेट बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यहाँ पर आपको हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है कोरोना वैक्सीन से संबंधित। सबसे पहला सवाल तो ये दोस्तों कि यदि आपको किसी भी तरह की दवा या ड्रग से एलर्जी है तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर को पहले से जानकारी दे दें। डॉक्टर्स की सलाह पर आपके कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, सी क्रिएटिव प्रोटीन, सीआरपी या इम्यूनोग्लोबिन ई लेवल की जांच की जाएगी और फिर आपको वैक्सीन उस हिसाब से दी जाएगी। वैक्सीन लेने से पहले अच्छे से खाना खा करके जाएं। यदि डॉक्टर ने कोई दवा बताई है तो वैक्सीन से पहले वो भी आप ले सकते हैं। वैक्सीन लेने से पहले रिलैक्स रहने की कोशिश करें। यदि आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं तो काउंसिल भी ले सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या तो इसकी भी जांच अवश्य करा लें। कैंसर मरीज खास तौर से जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है वो भी डॉक्टर्स की सलाह से ही काम करें। जिन लोगों ने कोविड 19 के इलाज के लिए ब्लड प्लाज्मा या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ली है या जो लोग एक डेढ़ महीने पहले ही संक्रमित हुए हैं उन्हें फिलहाल वैक्सीन न लेने की सलाह दी जाती है। अगर कोरोना वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद संक्रमण हुआ तो कुछ सप्ताह के लिए दूसरी डोज को भी टाल दें। तो वैक्सीन लगवाने से पहले इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा, साथ ही दोस्तों वैक्सीन लेने के बाद अगर तुरंत बाद खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन दिख रहे हैं तो उन्हें वैक्सीन सेंटर पर मॉनिटर किया जाता है। लोगों को यहां से तभी जाने दिया जाएगा जब ये सुनिश्चित हो जाए कि वो ठीक है। इंजेक्शन वाले हिस्से पर दर्द होना या बुखार चढ़ना बड़े ही साधारण से लक्षण है, इसलिए घबराने की वजह नहीं है। ठंड लगना या थकावट जैसे कुछ लक्षणों की संभावना भी होती है लेकिन ये लक्षण कुछ ही दिनों में चले जाते हैं। वैक्सीन लगने के बाद यदि आपको इंजेक्शन साइट पर दर्द, बुखार या थकान जैसी समस्या होती है ना, तो ऐसे में पेय पदार्थों का आप खूब सेवन करें, जूस वगैरह ये अच्छे पिए, ठीक है ना। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और वैक्सीन लगाने के बाद भी आप पौष्टिक आहार ले पहले भी लें। अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें। अल्कोहल और स्मोकिंग को वैक्सीन लगाने के दौरान आप यूज बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना, इनका परहेज करें। आपको बता दूं वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को बाहरी संक्रमण की पहचान कर उससे लड़ना सिखाती है। वैक्सीनेशन के बाद वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होने में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, इसलिए लापरवाही फिर भी ना करें। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लग गई अपने को तो बस जिंगा लाला, समझ रहे हो ना। ऐसा ना रहे कि वैक्सीन लग गई तो निश्चिंत हो जाए कि अब अपने को कोरोना नहीं होगा और आप लापरवाही करना शुरू कर दें, तो ये गलत है ना। तो ये वैक्सीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आपको बता दी। अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम केयर्स में $50,000 देने वाले पेट कमिंस बोले कि कोरोना के चलते आईपीएल बंद करना कोई हल नहीं है। स्टार तेज गेंदबाज पेंट कमिंस ने जोर देते हुए कहा दोस्तों कि कोविड 19 के कारण स्वास्थ्य संकट को नियंत्रित करने में भारत के जूझने के बावजूद आईपीएल को बंद करना कोई जवाब नहीं है। इस घातक वायरस के खिलाफ लड़ाई में कमिंस $50,000 दान दे चुके हैं। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पेट कमिंस इनका नाम है जो कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। अब इन्होंने भारत में पीएम केयर फंड में $50,000 दान दिए, तकरीबन 35 लाख से भी ज्यादा है ना, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 18 साल से ऊपर होने के बाद भी इन लोगों को नहीं लेनी चाहिए कोरोना की वैक्सीन। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट की डॉक्टर की राय निकल कर आ रही है कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए चाहे आप 18 साल से ऊपर के हैं तो भी। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि सरकार जो है 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण शुरू करने जा रही है। ऐसे में किन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति कभी भी किसी भी हालत में वैक्सीन ना लें, ठीक है ना। इसके अलावा 18 साल से ऊपर अगर कोई गर्भवती माताएं बहनें हैं या अपने बच्चों को दूर
दूध पिलाने वाली महिलाएं माताएं बहने हैं ना, तो उनको भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। इसका कारण ये है कि अब तक गर्भवती और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को वैक्सीन के ट्रायल में शामिल ही नहीं किया गया, इसलिए इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि वैक्सीन का गर्भवती महिलाओं पर क्या प्रभाव हो सकता है। साथ ही अगर ट्रायल में शामिल किसी भी व्यक्ति को कोविड 19 वैक्सीन की वजह से किसी भी तरह की एलर्जी हुई है, तो पहला डोज लेने के बाद अगर ऐसे रिएक्शन देखें तो दूसरा डोज आप वैक्सीन का ना लगवाएं, ठीक है ना। जिन लोगों में कोविड 19 के सक्रिय लक्षण दिख रहे हैं उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन 4 से 8 सप्ताह बाद लेनी चाहिए, यानी कि जब तक कोरोना के सिम्टम्स दिख रहे हैं तब तक आप वैक्सीन ना लें। इसके अलावा जिन लोगों को हाल ही में ब्लड चढ़ाया गया है, कीमोथेरेपी की गई है या प्लाज्मा थेरेपी की गई है, तो वो भी वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टर की अच्छी सलाह ले लें और आपकी कंप्लीट मेडिकल इन्फॉर्मेशन आप डॉक्टर को जरूर दें, ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखें। अच्छा, अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते 20 मई तक कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी विद्यालय जो हैं वो बंद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड 19 संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 20 मई 2021 तक 1 से लेकर 8वीं तक के सभी सरकारी विद्यालयों को बंद कर दिया। यूपी सरकार का अच्छा फैसला। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चेताया है कि दर्द या बुखार होने पर पेन किलर से बचें। कोरोना होने पर सीरियस हो सकते हैं मरीज। दिल, डायबिटीज और बीपी के मरीजों के लिए भी एक खास सलाह यहाँ पर निकल कर आ रही है। कहने का मतलब, दर्द या बुखार है तो आप यूं ही गोली ना खाएं। दर्द की दवाओं से आजकल परहेज करें। कोरोना हो गया तो गंभीर हो सकता है इनका असर। दिल और किडनी के लिए भी ये नुकसानदायक है। पैरासिटामोल दर्द बुखार की सबसे सुरक्षित दवा मानी जाती है, तो वो आप यूज ले सकते हैं अगर आप में कोरोना के सिम्टम्स नहीं दिख रहे तो, ठीक है ना। दवा लेते दौरान दिल और डायबिटीज और बीपी के मरीज भी इन बातों का ध्यान रखें। दिल की बीमारी शुगर, डायबिटीज या बीपी से कोरोना होने की संभावना ज्यादा नहीं है। फिलहाल आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। कोरोना हुआ तो गंभीर हालात हो सकते हैं, इसलिए संक्रमण से बचना जरूरी है। डॉक्टर न मिलने पर दवा रिपीट कर लें, दिल, डायबिटीज या बीपी के मरीज, क्योंकि आजकल तो ऑलरेडी डॉक्टरों की शॉर्टेज चल रही है, आपको पता ही है अस्पतालों में भी, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, टीवी पर कोरोना की खबर आते ही कंबल में मुंह छिपा रहे बच्चे। कोरोना से बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपको बता दूं, शहर में रहने वाले एक शख्स रितेश बंगलानी ने ट्वीट किया कि उनका 8 साल का बच्चा पूरे दिन सूंघ कर ये जानने की कोशिश करता है कि उसकी गंध पहचानने की क्षमता खत्म तो नहीं हो गई, ऐसा नहीं है तो वह वायरस के संपर्क में नहीं आएगा। रितेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि यदि उसे गर्मी लगती है तो वह अपना टेम्परेचर चेक करने को कहता है, यदि उसके पैर में दर्द होता तो वह पूछता है कि कहीं ये कोरोना का लक्षण तो नहीं। रितेश का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, इसकी वजह से कई पेरेंट्स बच्चों में इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये भी रिप्लाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बच्चों में भी दोस्तों कोरोना का डर, खौफ जो है वो बहुत अच्छी तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी तो जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई और कहीं खत्म नहीं हो जाए, ये भी डर रहता है। तो आप भी अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, उन्हें इमोशनली सपोर्ट भी करें कोरोना काल के दौरान, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एक स्टडी में दावा किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 94% तक कम हो जाती है। हाल ही में फेडरल एक स्टडी की और उसमें इस बात का दावा किया दोस्तों कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए फाइजर, बायोएनटेक या मॉडर्ना जैसे टीके दिए जा रहे हैं जो वृद्ध वयस्कों को अस्पताल में भर्ती होने से रोकने में ज्यादा प्रभावी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैक्सीन बहुत अच्छा असर तो कर रही है अभी इस कोरोना माहौल के दौरान भी। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सकती है बीमा कंपनियां 1 घंटे में मंजूर करे कोरोना मरीजों के बिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। आजकल जिन लोगों का इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है और उन लोगों की अगर मौत हो जाती है तो बीमा कंपनियां जो है वो क्लेम करने में थोड़ा आनाकानी करती है, देर लगाती है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त फैसला दिया है कि कोरोना मरीजों को अब अस्पतालों में खाली बेड के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को आदेश दिया कि वे कोविड 19 मरीजों के 30 से 60 मिनट में बिल पास कर दें। अदालत ने कहा कि बीमा कंपनियां बिल को मंजूरी देने के लिए 6-7 घंटे तक भी नहीं ले सकती है, क्योंकि इससे मरीजों को डिस्चार्ज होने में देरी होती है। वहीं बिस्तरों की जरूरत वाले लोगों को भी काफी इंतजार करना पड़ता है ना, तो ये बीमा क्लेम जो अब आपको महज 1/2 घंटे 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन 3 देशों ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी, न करें भारत की यात्रा। मतलब भारत कितना दुनिया भर में बदनाम होता जा रहा है अभी इस कोरोना माहौल के दौरान, ये अंदाजा लगा सकते हैं आप। अमेरिका, कनाडा और जर्मनी ने भारत की यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की अपने वहाँ के लोगों के लिए। हाल ही में आपको बताओ, ऑस्ट्रेलिया ने भी 15 दिन तक भारत से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर भी बैन लगा दिया। तो भारत जो है अभी दुनिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कोरोना के कारण, और हम भी भारतीय हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारी छोटी सी लापरवाही दोस्तों एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। सो प्लीज आप अपना खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें और बिना मास्क बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। परिवार में भी कोई मेंबर अगर ज्यादा बुखार आ रही, बीमार हो रहा, कोविड जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो उससे भी दूरी बना करके रखें। दूरी का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें ना। उनको इमोशनली तो सपोर्ट करें आप, लेकिन फिजिकली उनसे जरूर, उनकी खाने पीने की चीजों में, इन सब चीजों में ध्यान रखें आप, ठीक है ना। और बाकी जब भी बाहर से घर पर वापस आते हो तो साबुन से अच्छी तरह से 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धोएं, सैनिटाइजर करें हाथों को, खाना खाने से पहले से भी साबुन से अच्छी तरह से हाथों को धोएं, और छोटे बच्चे, बच्ची, बड़े बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर भी ना जाने दें आजकल के माहौल के दौरान। और बाकी आप भी बिना काम घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर पुलिस डंडे मारेगी, लॉकडाउन वगैरह लग रहा है, तो आपको बताइए। ओके, इन बातों का ध्यान रखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। इससे होगा कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल
मिल जाएंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।